मिड साइज एसयूवी सेगमेंट, ये सेगमेंट सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के बाद अब जाके इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ गया है। आज हमारे साथ में होंडा एलिवेट है, इसके साथ साथ आपको सेगमेंट में कॉम्पिटिशन में इसके जो गाड़ियाँ देखने के लिए मिल जाती हैं, क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, एस्टर, टाइगून एंड कुशाक जैसी दिग्गज गाड़ियाँ आपको इस सेगमेंट में देखने के लिए मिल जाती हैं। एंड इसी के साथ हाल फिलहाल 7 अगस्त को लॉन्च हो रही है टाटा की पंच भी, उन गाड़ियों को छोड़ के आपको इस गाड़ी को क्यों लेना चाहिए। स्पेसिफिक वेरिएंट की बात करें तो ये वी वेरिएंट है रिवाइज्ड। ये रिवाइज्ड में क्यों बोल रहा हूँ तो वो पूरी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। एंड सबसे मेन चीज़, इस गाड़ी में अभी तक आपको सिर्फ पेट्रोल का ही ऑप्शन देखने के लिए मिला करता था, बट अब डीजल नहीं आया इसमें, इसमें आपको सीएनजी का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब वो रेट्रो फिटमेंट है, प्लांट फिटमेंट है, उससे वारंटी वॉइड होगी, पूरा डिटेल में जानने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो देखो सबसे पहले बात हम करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट से। तो देखो फ्रंट लुक इस गाड़ी से ज़्यादा बोल्ड किसी गाड़ी का नहीं हो सकता। आपने सेगमेंट में बहुत गाड़ी देख ली होंगी लेकिन इस गाड़ी का जो बोल्ड लुक है ना, फ्रंट से आपको प्रॉपर एलईडी हेडलैम्प देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है डीआरएल्स, इसी के साथ इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, फॉग लैंप स्पेसिफिक इस वेरिएंट में आपको देखने के लिए नहीं मिलते। और जो इस गाड़ी की जो ग्रिल है ना, ये ग्रिल आपको बेस्ट इन सेगमेंट, सबसे बड़ी आप कह सकते हो, देखने के लिए मिल जाती है। इसी के साथ यहाँ पे आपको क्रोम का पूरा कनेक्टेड पार्ट देखने के लिए मिल जाता है जो कि आपके हेडलाइट्स के ऊपर से होता हुआ जाता है। इसी के साथ साथ होंडा का लोगो नीचे की साइड आपको रफ फिनिश के लिए, जो इस गाड़ी की यूएसपी है, इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है आपका 220 mm का। एक जो महिंद्रा थार आते हैं उसका 226 आता है, उससे मात्र 6 mm कम ये गाड़ी आपको ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। फ्रंट व्हील ड्राइव है इसमें, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है स्किड प्लेट कुछ इस तरीके से। इसी के साथ साथ जो सबसे मेन चीज़ है ना, वो है इसका जो बोल्ड लुक में जो इस गाड़ी को 4 चांद लगाता है, वो है इसका बोनट। इस गाड़ी का बोनट देखिए, जो फ्रंट से बॉक्सी डिज़ाइन है ना, अगर आप एक न्यू ड्राइवर है, कहने का मतलब आपने जल्दी ही में गाड़ी चलानी सीखी है, तो ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस दे सकती है, क्योंकि अंदर बैठने के बाद ये आपको यहाँ तक का एडजस्ट आपको विजिबल होते हैं गाड़ी के अंदर बैठे हुए में भी। तो ये यूएसपी आपको खास देखने मिलने वाली है इस गाड़ी के अंदर। प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल भी पूरी तरीके से बॉक्सी डिज़ाइन आपको वही देखने के लिए मिल जाता है। एसयूवी है तो यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिल जाती है ब्लैक कलर की क्लैडिंग पूरी, इवन डोर के पीछे तक। एंड जो ये डोर ओपन करते हैं, इसके नीचे की साइड रनिंग बोर्ड जो है ये पूरी तरीके से आपको प्लास्टिक से कवर्ड मिलता है, कहने का मतलब जो रस्टिंग के इश्यूज आते थे ना मिट्टी जमा होने के बाद, वो इस गाड़ी में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। बहुत बड़ा इसमें आपको ओआरवीएम देखने के लिए मिल जाता है, लाइका फॉल्ट इको स्पोर्ट, और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है ये, यहाँ देख सकते हैं आप। इसी के साथ रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है, इसकी जो की है आपको दिखा देता हूँ, की आपको ऐसी देखने के लिए मिल जाती है, लॉक अनलॉक का बटन, एंड यहाँ से आप जो इसकी की जो है, अगर मानकर चलिए इसकी बैटरी डाउन हो जाती है तो आप इसको कुछ इस तरीके से निकाल के यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ फंक्शंस भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बोथ की आपको सेम देखने के लिए मिलती हैं कीलेस एंट्री के साथ। इसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर तो दिया जाता है बट ये आपको हैंड के साथ ही इस तरीके से करते हैं तो आपकी गाड़ी लॉक और अनलॉक भी हो जाती है। इस वाले वेरिएंट में स्पेसिफिक में आपको कोई रूफ रेल देखने के लिए नहीं मिलती, मिलता है तो ऊपर की साइड आपको शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिल जाता है, शार्क फिन एंटीना कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाता है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं इस गाड़ी के टायर प्रोफाइलिंग की। तो देखो इस मॉडल से आपको देखने के लिए मिल जाता है स्टील रिम्स हैं ये आपके व्हील कवर्स के साथ, टायर प्रोफाइलिंग मिल जाती है 215/60 R16 की। इससे ऊपर वाले वेरिएंट के साथ आप जाते हैं टॉप एंड में तो वहाँ पे आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया बेस्ट इन सेगमेंट ग्राउंड क्लियरेंस जो कि ये रहने वाली है 220 mm की। आइए चलते हैं गाड़ी की रियर प्रोफाइलिंग की तरफ। तो रियर प्रोफाइल गाड़ी की कुछ ऐसे रहने वाली है। तो देखो रियर प्रोफाइल दिखाने से पहले मैं सबसे पहले इस गाड़ी की जो बैक लाइट है ना वो आपको ऑन करते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए कि जो कनेक्टेड टेल लैम्प टाइप है ना ये एक्चुअल में कनेक्टेड है या नहीं। तो आइए एक बार सबसे पहले इसकी गाड़ी की हेडलाइट ऑन कर देते हैं। तो देखो ऐसी कुछ इसमें आपको रियर में टेल लैम्प मिल जाती है। ये जो पार्ट है पूरा एलईडी से सेटअप है और ये आपका पूरा रिफ्लेक्टर बेस्ड है। यह होंडा का बीच में आपको लोगो देखने के लिए मिल जाता है। इसी के साथ साथ ये भी आपको प्रॉपर तरीके से ऐसी कुछ लाइट देखने के लिए मिल जाती है। साथ साथ यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग लैंप देखने के लिए मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको हैलोजन में ही आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। जो टेल लैंप है वही आपको एलईडी मिलते हैं, बाकी आपको नॉर्मल बल्ब वाला सेटअप ही देखने के लिए मिलता है। आईवी टेक जो इस गाड़ी को और गाड़ियों से बिल्कुल खास बनाता है ये है आईवी टेक। इसके बारे में पूरी बात करेंगे जब हम इस गाड़ी का इंजन भी ओपन करेंगे। एलिवेट की यहाँ पे आपको बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर्स और मिल जाते हैं इसमें आपको 1, 2, 3, 4 4 पार्किंग सेंसर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। फ्रंट की तरह रियर में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है
कुछ स्किड प्लेट जो इस गाड़ी को फील कराती है कि एक्चुअल में ये एक एसयूवी है एंड रगेड प्रोफाइल वाली है। बूट ओपन करते हैं तो बेस्ट इन सेगमेंट 458 लीटर का ये गाड़ी आपको बूट स्पेस ऑफर करती है। देख सकते हो आप, मैं ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाला कि मैं इसमें जाके चेक करूं, वो आप अपने अकॉर्डिंगली ही कर सकते हैं, लेकिन हाँ बेस्ट इन सेगमेंट ये गाड़ी आपको बूट स्पेस ऑफर करती है 458 लीटर का। स्पेयर व्हील की बात करें तो सेम साइज में आपको स्पेयर व्हील देखने के लिए मिल जाता है 215/60 R16 का। यहाँ पे आपको टूल किट देखने के लिए मिल जाती है, जैक, जैक रॉड, व्हील पाना, आपकी जैक वाली रॉड मिल जाती है, ये आपको देखने के लिए मिल जाता है, टोइंग हुक। तो इसको कर देते हैं बंद। यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ पे आपको कुछ हैंडल देखने के लिए मिल जाता है जिनकी हाइट यहाँ तक नहीं पहुँच सकती ना, वो फिलहाल यहाँ से हाथ लगा के काम चला सकते हैं, इस तरीके से कुछ बंद हो जाता है। रियर में आपको यहाँ पे मिल जाती है हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, ये आपको इंटीग्रेटेड स्पॉइलर की कहीं ना कहीं छोटी सी फील देगा। बाकी टॉप एंड मॉडल में यहाँ पे आपको स्पॉइलर भी देखने के लिए मिल जाता है। रियर में आपको डिफॉगर मिल जाता है, बट कमी जो कलेगी यहाँ पे इसमें आपको कलेगी रियर वाइपर वॉशर की। अब सारी चीज़ें इसमें दे देंगे तो ऊपर वाले वेरियंट के लिए क्या बचेगा। तो इसी के साथ देखो अब चलते हैं हम गाड़ी के अंदर फ्रंट रो में एंड दिखाते हैं कैसा इस गाड़ी में स्पेस मिल जाता है। मेरी हाइट अराउंड 6 फीट है और फ्रंट सीट में देखते हैं कैसा स्पेस मिल जाता है, कितने हाइट एडजस्टेबल के साथ या कितनी रीचिंग पोजिशन के साथ इसमें आपको सीट्स मिलती हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे डोर ट्रिम की। तो ड्राइविंग साइड डोर ट्रिम में आपको यहाँ पे चारों ही पावर विंडो मिल जाते हैं। ड्राइविंग साइड वन टच अप एंड डाउन के साथ एंटी पिंच सेफ्टी मिल जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको रियर विंडोज लॉक, ये आपको लॉक अनलॉक के बटन देखने के लिए मिल जाते हैं। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल। इसमें आपको 4 स्पीकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं चारों ही डोर्स में, बॉटल होल्डर्स, और सबसे अच्छी चीज फ्रंट में आपको सिंगल बॉटल होल्डर मिलता है एंड रियर में आपको 2 बॉटल होल्डर्स रखने के लिए आपको स्पेस मिल जाता है। अब चलते हैं हम गाड़ी के अंदर एंड जैसे देखो मेरी हाइट अराउंड 6 फीट है, इसके साथ साथ यहाँ पे इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल भी मिल जाता है। देखो सबसे पहले मैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट कर लेता हूँ, ऐसे कुछ मैंने सीट एडजस्ट कर ली है, ये मेरी ड्राइविंग पोजीशन रहने वाली है। देखो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग जो मुझे थोड़ी सी कमी चलती है यहाँ पे चलती है थोड़ी सी अंडर साइज सपोर्ट, सीट थोड़ी सी लंबी होती तो ज़्यादा बेटर रहता। बट सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी इस गाड़ी की सीट की वाइडनेस, मेरी हाइट 6 फीट है और उसके बाद मेरी हेल्दी भी हूँ तो उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो ग्रैप करके रख रहे हैं ना सीट, काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को इस चीज़ में। इसके साथ साथ आपको कोई लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील इसमें देखने के लिए नहीं मिलता, फ्लैट बॉटम भी देखने के लिए नहीं मिलता है, ये पूरा राउंड शेप है। इसी के साथ यहाँ पे आपको कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, एनालॉग इसमें आपको क्लस्टर मिल जाता है। तो देखो यहाँ से पहले ऑन कर देते हैं, यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है कुछ इस तरीके से, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है, एक बार इसको और ऑन करते हैं तो ऐसा कुछ इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि रहने वाला आपका प्रॉपर तरीके से एनालॉग, बीच में आपको MID डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, सारे ही फंक्शंस इसमें आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी क्या क्या चीज़ें हैं और इसी के साथ साथ सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती है, टेम्परेचर मीटर, फ्यूल मीटर, सारी चीज़ें। यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, या आप अपना ट्रिप और क्लॉक को यहाँ से सेट करने के लिए कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं बात करूँ म्यूजिक सिस्टम की, तो 8 इंच का इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम मिलने वाला है जो कि रहने वाला है एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ। सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं, बाकी FM और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाती हैं कुछ इस तरीके से। ऐसे मैं होम पे जाता हूँ तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। AC वेंट्स कुछ डिफरेंट आप कह सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल डिजाइन में आपको AC वेंट्स देखने के लिए यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। लैंप के लिए इसमें आपको यहाँ बटन देखने के लिए मिल जाता है। जो अच्छा लगा मेरे को इसमें, ये बहुत ही प्यारा सा छोटा सा ऑटो AC का कंट्रोल्स जो है ना, ये काफ़ी अच्छे लगे मेरे को देखने में। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर चार्जिंग सॉकेट देखने के लिए मिल जाता है। इसे ऊपर वाले वेरिएंट में जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है वायरलेस चार्जर का भी सॉकेट। एक छोटी सी कमी है जो देखो ट्रेंड के अकॉर्डिंग आज के टाइम में सी टाइप के पावर चार्जिंग सॉकेट्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, बट यहाँ पे आपको ओनली USB टाइप ही देखने के लिए मिलता है। 2 ग्लास होल्डर देखने के लिए मिल जाते हैं। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ये गाड़ी आपको ऑफर करती है और ऐसे कुछ 6 स्पीड रहने वाला है। हैंड ब्रेक नॉर्मल है इसमें आपका। इसी के साथ साथ आर्मरेस्ट मिल जाता है और इसी का स्टोरेज कैपेसिटी के साथ, ये किसी भी स्लाइडिंग फंक्शन के साथ नहीं है, फिक्स रहने वाला है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है जो कि इल्यूमिनेटेड है, किसी तरह का कोई इसमें कूल्ड ग्लव बॉक्स देखने के लिए नहीं मिलता। सनशाइन की बात करें ड्राइविंग साइड की तो यहाँ पे आपको कोई भी टिकट होल्डर देखने के लिए नहीं मिलता, ये नॉर्मल रहने वाला है। इसी के साथ IRVM मिल जाता है इसमें आपको, डिमिंग IRVM आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप देखने के लिए मिल जाती है जो कि यहाँ आपकी हैलोजन सेटअप के साथ। को ड्राइवर साइड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको छोटा सा वैनिटी मिरर देखने के लिए मिल जाता है, ये आपको ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाते हैं। अब चलते हैं हम गाड़ी में रियर में एंड रियर में दिखाते हैं ये गाड़ी आपको रियर में कैसा स्पेस ऑफर करती है।
बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स की, तो देखो रिवाइज वेरिएंट जो मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में रिवाइज, तो यहाँ से उसकी शुरुआत होती है। तो सबसे पहले इसमें आपको अब देखने के लिए मिल जाते हैं 6 एयरबैग्स ऐसा स्टैंडर्ड, और इसके साथ आपको ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम एंड ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स आपको इस V वेरिएंट में देखने के लिए मिल जाते हैं। सेकंड, जो रिवाइज में और दो चीज़ें बड़ी हैं वो आपको रियर में दिखाता हूँ। तो चलते हैं हम गाड़ी में रियर में, तो यहाँ से करते थे हम इग्निशन ऑफ और चलते हैं गाड़ी में रियर में एंड दिखाते हैं इस गाड़ी में आपको रियर में कैसा ये गाड़ी स्पेस ऑफर करती है एंड क्या कुछ चीज़ इसमें आपको रिवाइज वेरियंट में देखने के लिए मिल रही है। तो देखो रियर में सबसे अच्छी चीज़ जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें आपको दो बॉटल होल्डर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, और ये जो फिनिश है ठीक ठाक, बस ये थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी ओल्ड एज वाली फील देने वाली है। तो देखो जैसा फ्रंट सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, नी रूम नो डाउट काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, आप इसको बेस्ट इन सेगमेंट भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि जो इसका व्हील बेस है वो रहता है 2650 mm का टाइगून, और आपकी कुशाक में 2651 mm आता है, 1 mm को आप मेजर क्या ही करेंगे, तो बेस्ट इन सेगमेंट आप इसको कह सकते हैं। थोड़ा सा मेरे को जो कमी महसूस हो रही है अंडर साइड सपोर्ट की, थोड़ी सी सीट फ्रंट की एंड रियर की थोड़ी सी लंबी होती तो और ज़्यादा इस गाड़ी में आपको कंफर्ट देखने के लिए मिल जाता। बाकी तीन जने बैठने की बात करूँ तो तीन जने सेम ऐसे देखो, मैं बिल्कुल एक्जैक्टली आपको बताऊँ, आपने मेरी टाइगून की वीडियोज़ भी देखी होंगी और वर्टिस की एंड बहुत सारी गाड़ियों की, जिन गाड़ियों में फ्लैट बेंच होती है उसी गाड़ी में आप तीन जने इजीली बैठा सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ तो बकेट सीट, इस गाड़ी में भी आपको बकेट सीट्स ऑफर होती हैं। तो बकेट सीट्स जो मेन चीज़ है ना, ये जो आता है ये पोर्शन, इसमें आप एक एडल्ट के नहीं, आप एक चाइल्ड ऑक्यूपेंट इजीली बैठा सकते हैं। जो मेन चीज़ है रिवाइज वाले वेरियंट में जो आपको बता रहा था, तो सबसे पहली चीज़ इसमें आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर देखने के लिए मिल जाता है एंड आपको इसमें कोई आर्मरेस्ट वगैरह ऑफर नहीं किया जाता। यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपको AC वेंट देखने के लिए मिल जाते हैं, 12 वोल्ट का पावर चार्जिंग सॉकेट और ये कुछ हम आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। तो देखो प्रैक्टिकली हम एक बार चेक करके देखते हैं, मेरी हाइट अराउंड जैसे 6 फीट है, उसके साथ साथ मैं यहाँ पे जैसे अगर बैठता हूँ तो देखो हेडरूम नो डाउट मेरे को काफ़ी अच्छा मिल जाता है, बट कहीं ना कहीं जो ये है ना, ये जो पोर्शन जो आपका इस तरीके से फ्लैप आ रहा है, ये आपको एक चाइल्ड ऑक्यूपेंट के लिए ईजिली बैठ सकता है, मेरे जैसा एडल्ट यहाँ पे बिल्कुल भी कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएगा। अब इस गाड़ी का इंजन भी ओपन करते हैं एंड जानते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। तो देखो बोनट ओपन करने से पहले आपको इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो इसकी कॉर्नर्स है ना, ये कॉर्नर्स में यहाँ देख सकते हैं आपको प्रॉपर तरीके से रबड़ देखने के लिए मिलती है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल सील्ड पैक हो जाता है इंजन, तो इंजन की साउंड है ना कहीं जो थोड़ी बहुत एजेस में से बाहर आने वाली होगी ना तो भी नहीं आती। वैसे तो इसमें आपको IVTEC इंजन देखने के लिए मिल जाता है, इसको यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो देखो 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इसमें आपको IVTEC इंजन देखने के लिए मिल जाता है, वही होंडा सिटी जिसमें आपको 121 PS एंड इसी के साथ 145 Nm का टॉर्क आपको देखने के लिए मिल जाता है, और जो 145 Nm का टॉर्क है ये आपको देखने के लिए मिल जाता है 4300 RPM से, ट्राइड एंड टेस्टेड काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड इंजन है। अगर आप कोई नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ अगर आप कोई इस सेगमेंट में गाड़ी देख रहे हैं, तो इस सेगमेंट में इस इंजन से बेहतर मैं नहीं मानता वो इंजन है, बिकॉज ये इंजन आपको बिल्कुल जो आपको टर्बो वाली फील आती है, जैसे टर्बो में जो टर्बो एक्टिवेट होता है आपका 1750-2000 RPM के बाद, इस इंजन का जो IVTEC है वो किक इन हो जाता है आपका 4042 RPM के बाद, और उस उतने RPM के बाद जो ये गाड़ी अपनी परफॉर्मेंस फील देती है वही आपको टर्बो वाली फील देगी। साइलेंट इंजन है और जो मैंने आपको बताया CNG वाला पोर्शन, तो CNG के साथ ये इंजन काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल है और रिलायबल भी है। इवन जो मारुति में इंजन आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे मारुति में आपको गाड़ियाँ देखने के लिए मिल जाती हैं कंपनी फिटेड CNG के साथ, उनसे भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ये इंजन आपको प्रोवाइड कराता है। अगर इस चीज़ से आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो आप किसी भी होंडा सिटी यूज़र से पूछ सकते हैं जो अपना CNG का फीडबैक दें, तो बताएंगे कि एक्चुअल में इसमें आपको बिल्कुल भी नाम मात्र पावर लॉस रहता है CNG के साथ। और अब आप होंडा एलिवेट या होंडा अमेज, होंडा सिटी, तीनों में से कोई भी गाड़ी लेना चाहते हैं, बेस से लेकर टॉप तक किसी भी वेरियंट में आप गाड़ी लीजिए एंड उसमें रेट्रोफिटमेंट कंपनी के ही थ्रू, जो आपकी डीलरशिप है उनके थ्रू ही आपको CNG फिटमेंट देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपको लोवेटो की CNG किट देखने के लिए मिलती है। प्राइस जो पड़ती है वो आपको 75,000 रुपीज़ पड़ती है एंड जो लोवेटो की किट है ये आपकी फुली इटालियन किट है, जिसमें आपको 60 लीटर की वाटर फिलिंग कैपेसिटी वाला आपको सिलेंडर देखने के लिए मिल जाता है एंड जो फिलिंग कैप है वो आपको बोनट में ही देखने के लिए मिलता है। इससे पहले आपने मेरी वीडियोज़ और देखी होंगी जिसमें आपको एलिवेट एंड होंडा मेज का आपको देखने के लिए मिल जाता है, इससे आपकी कोई वारंटी भी वाइड नहीं होती, 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर इस गाड़ी के साथ आपको वारंटी मिलती है, जो एज पर होंडा वो आपको मिलेगी ही मिलेगी।
एंड इफ सीएनजी में कोई इस तरह की कोई दिक्कत आती है तो वो आप डीलर के पास जाके अपनी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो ये रही इस गाड़ी के इंजन के बारे में। तो बोनट बंद करते हैं। देखो अब जो पार्ट आता है वो आता है कि आपको होंडा एलिवेट क्यों लेनी चाहिए सेगमेंट में और गाड़ियों के अलावा। तो देखो अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में दिस इज द इंजन जो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल ट्रस्टेड इंजन है। होंडा जो जाना जाता है अपने इंजन के लिए जाना जाता है। आपने वर्ल्ड वाइड देखा होगा जो होंडा अपने इंजन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जैपनीज टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। एंड जो इसके आईवीटेक इंजन है ना वो आपको रिलायबिलिटी के साथ साथ आपको पावर परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कराते हैं। एंड सीएनजी में ये जीरो लैग रहने वाली है। यही थी होंडा एलिवेट वी मॉडल की रिवाइज एडिशन, जिसमें आपको रिवाइज के भी सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। होंडा एलिवेट, होंडा अमेज या फिर होंडा सिटी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो डिस्प्ले पर नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ अगर आप बिलोंग करते हैं दिल्ली एनसीआर से तो आप विजिट कर सकते हैं क्राउन होंडा सेक्टर 63 नोएडा। तो यही थी आज की वीडियो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नहीं है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं हम इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ।